बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। ये हमारा TGSG यानी द ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से एपिसोड नंबर 22 है। इस एपिसोड में हम क्लोजर टू ट्रुथ के फ्री विल और अल्टीमेट डेस्टिनीज के तहत उठाए सवालात का आपसे तारुफ कराएंगे। मैं मोहम्मद इसहाक हूँ और इस प्रोग्राम में मेरे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे परवेज हाशमी साहब, खुर्रम खान साहब और डॉक्टर असद इम्तियाज साहब। देखें हमने क्या किया है। हमने एक्चुअली जो क्लोजर टू ट्रूथ के तीन मेन टॉपिक्स थे ना, जी पहला था कॉस्मोस, दूसरा था कॉन्शियसनेस, जी तीसरा था मीनिंग यानी गॉड। जी तो हमने जो पहले वाला टॉपिक है उसको फिलहाल डिले कर लिया। उसमें से सवालात हम ना तारफ करा रहे हैं ना हम एड्रेस करेंगे, वो सही, बाद की बात। सही। फिलहाल हमने कॉन्शियसनेस में से एक उनका सब टॉपिक लिया फ्री विल, जी और दूसरा जो मीनिंग यानी गॉड है उसमें से हमने लिया अल्टीमेट डेस्टिनीज, क्योंकि करेक्ट, हम ये समझते हैं कि ये दो टॉपिक्स हैं जिनको पहले एड्रेस करना जरूरी है। ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं ये सवालात हैं वो यहीं पैदा। सही तो ये फ्री विल और अल्टीमेट डेस्टिनीज, अब जाहिर है कि ये जो पैनल है हमारा डिस्कशन का, ये उन लोगों का है जो कि एक पर्सनल गॉड के वजूद पे यकीन रखने वाले, करेक्ट, और इस हवाले से जो हमारे बुनियादी एड्रेसेस हैं वो भी समझते हैं हम के हमारी सोच से अलाइंड है, जी मगर कुछ ऐसे भी हैं जो हमारी सोच से अलाइंड नहीं है, यानी जी एग्नोस्टिक्स हैं या एथियस्ट हैं। जी तो सवाल पैदा होता है कि क्या हमने उनके लिए कोई प्रोग्राम पहले कर रखा है। जी जी हमने कर रखे, हमने तीन प्रोग्राम कर रखे हैं। परवेज साहब, मैं आपकी बात को अपने नाज़रीन के लिए ज़रा दोहरा देता हूँ कि नाज़रीन, हम जो प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये हमारे पैनल के तमाम शुरका बिलीवर्स हैं, यानी पर्सनल गॉड पर यकीन रखने वाले हैं, यानी पर्सनल गॉड को मानने वाले हैं। नहीं, वो बिलीवर्स में भी खास तौर पे, अच्छा कि आपने मेंशन कर दिया, पर्सनल गॉड को मानने वाले हैं। जी देखें जो नॉन बिलीवर्स हैं बहुत सारे, वो कॉस्मिक फोर्स को तो मानते हैं जी 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 मगर वो पर्सनल गॉड को नहीं मानते। जी तो चलो लिहाजा ये दो टॉपिक्स जो हैं, जो फ्री विल एंड अल्टीमेट डेस्टिनीज जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, हम इसी पस मंजर में इन पर गुफ्तगू करेंगे कि हम बिलीवर्स हैं और हम इन पर गुफ्तगू कर रहे हैं। और हम अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में भी अपने जो क्लोजर टू ट्रुथ का तारुफ करा चुके हैं। क्लोजर ट्रुथ के होस्ट रॉबर्ट लॉरेन क्यों का कहना है कि अगर खुदा नहीं तो कॉस्मोस के वजूद की मानवीय तलाश करना बहुत मुहाल है, यानी वो खुद भी एक तजब्जुब का शिकार है और वो भी ये चाहता है कि जी इसके हवाले से जरूर डिस्कशन जो है वो होनी चाहिए। जैसा कि परवेज हाशमी साहब ने फरमाया कि हमारे नाजरीन में कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो नॉन बिलीवर्स हों या एग्नोस्टिक्स हों या एथियस्ट हों, तो हमने उनके हवाले से कुछ प्रोग्राम्स ऑलरेडी कर रखे हैं और उनमें आप हमारे प्रोग्राम्स जो है पहले एपिसोड नंबर 14, 15 और 16, जिनमें हमने कुरान और बाइबल के कुछ हिस्सों की कंपैरेटिव स्टडी की थी। अरिस्टोटल से स्टेनिस्ला लिस्निस्की तक लॉजिक का सफर बयान किया था और फिर आखिर में तीन सवालात दोस्तों के सामने रखे थे। वो सवालात मैं आपके सामने ला रहा हूँ। सवाल नंबर एक, सवाल पैदा होता है कि 1500 साल पहले जब इल्मी तौर पर बाइबल ही के बयानात को यहूदी और नसरानी तस्लीम कर रहे थे, यानी इल्मी तौर पर सारी दुनिया में वो बयानात माने जा रहे थे, तो फिर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने उनमें से बेशतर बयानात को तब्दील क्यों कर दिया? अच्छा कमेंट, ये अपने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिखा हुआ, तो आप बता दें जरा इसकी वजह। जी उसकी वजह यह है कि ये नॉन बिलीवर से हम बात कर रहे हैं कि तो जब वो उस पर्सनल गॉड को ही नहीं मानते तो फिर उसके भेजे हुए पैगंबर को कैसे मानेंगे, यानी मोहम्मद बिन नहीं नहीं अब्दुल्ला? नहीं ये हमने ऐसे नहीं आई कहा थिंक था। हमने ये कहा था। हमने ये कहा था कि जब हमने ये प्रोग्राम करने शुरू किए थे तो हम भी फर्ज कर लेते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं कि मे बी देर इज नो गॉड, मे बी देर इज नो पर्सनल गॉड। खुद भी फर्ज कर लिया हमने, जब खुद भी फर्ज कर लिया तो फिर हमारे लिए भी वो एक शख्सियत है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, इसलिए हमने कहा जी मोहम्मद बिल्कुल, बिन अब्दुल्ला। जबकि हमारा पैनल तो बिलीवर्स का पैनल है। जी यानी इल्मी तौर पर सारी दुनिया में वो बयानात माने जा रहे थे तो फिर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने इनमें से बेशतर बयानात को तब्दील क्यों कर दिया? अगर कुरान बाइबल ही का प्लेजराइज वर्जन है
जैसे कि मगरिब में आमतौर पर समझा जाता है, तो फिर ये चीज तो नहीं होनी चाहिए थी। सवाल नंबर दो, और इससे भी बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपनी किताब कुरान में ये तब्दीलियां कैसे कर दी, क्योंकि बाइबल की तदवीन के बाद कुरान के नजूल तक के दरमियानी अरसा में इन चीजों के बारे में इंसानों को कोई नया इल्म हासिल नहीं हुआ था। उस वक्त इन सब उलूम की वाहिद सोर्स खुद बाइबल ही थी। एक कमेंट, वो जो पहले वाला सवाल था ना, वो ये था क्यों कर दिया भाई। जब एक चीज मानी जा रही है और ये प्लेजराइज्ड है, सारी दुनिया में वो चीज मानी जा रही थी, तो तब्दील तो नहीं करना चाहिए था ना। जो माना जा रहा था उसी को प्रेजेंट करना चाहिए। बिल्कुल अब ये सही, सवाल नंबर दो है, कैसे कर दिया। बिल्कुल सही। कैसे का मतलब ये है कि जो इन अलूम की सोर्स थी वो थी ही बाइबल। कोई बाहर साइंस ने किसी और तरह से कोई इल्म नया नहीं आया था, सही सोर्स ही एक ही थी। तो जी, करेक्ट। सवाल नंबर तीन, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने 1500 साल पहले यूज एंड मेंशन का फर्क कैसे जान लिया था, क्योंकि इस चीज का एहतमाम उन्होंने अपनी किताब कुरान में रखा है, जिसे हम अपने सामने आज भी देख सकते हैं, जबकि ये चीज तो आजकल भी लोग नहीं जानते, सिवाय उनके जिनका सब्जेक्ट ही लॉजिक होता है। यानी तीसरा सवाल जो है वो ये है कि आप देखें, आप माशाल्लाह सारे यूनिवर्सिटियों में पढ़े हुए हैं, चूंकि आपका सब्जेक्ट लॉजिक नहीं था, तो आपको यूज एंड मेंशन का किसी को पता था? नहीं, मुझे नहीं, तो पता नहीं पता था। जी जी इसी तरीके से आप देखेंगे तो जिनका सब्जेक्ट ही अपना लॉजिक नहीं होता, और वो सब्जेक्ट का मतलब है कि उसमें मास्टर करें या पीएचडी करें, तब जी उनको पता चलेगा कि इसकी डेवलपमेंट में यूज एंड मेंशन कब आया है, क्योंकि वो आया ही पिछली सेंचुरी में, ट्वेंटी सही, एथ बिल्कुल सेंचुरी में। तो ये इसलिए ठीक, हम कह रहे हैं। बिल्कुल सही। क्या हम अपने उन दोस्तों से पूछ सकते हैं जो एक पर्सनल गॉड के वजूद पर यकीन नहीं रखते, कि उनके नजदीक इन हकायक की क्या लॉजिकल एंड रैशनल तौजीह हो सकती है? यानी हकायक तो सामने है ना, ये तो जी गायब जी नहीं हो गए। जी जी बाइबल सामने है, कुरान सामने है, लॉजिक का सब्जेक्ट सामने है, तो जी सही ये हकायक सामने है, ये सवाल पैदा होते हैं। है तो जी, वो बताएं, वो गौर करें, खुद से गौर करें कि उनके नजदीक इन हकायक की क्या लॉजिकल और रैशनल तौजीह हो सकती क्या सही हो है जी, सकती। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू आस्क। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, हम फ्री विल और अल्टीमेट डेस्टिनीज पर सवालात को कुरान मजीद की रोशनी में कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ को सामने रखते हुए एड्रेस करेंगे। जी आप देखें, हमने कहा था ना, ये बिलीवर्स हैं, ये जो कि ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं और हम बुनियादी तौर पे एड्रेस भी उनको कर रहे हैं। तो जी अब कुरान मजीद को सामने रखा, तो फिर क्या चीजें हमने उसमें कहा था कि आपने इस कायनात को, इसमें इंसान के शौरी वजूद को, इन दोनों के माबैन ताल्लुक को समझना है, तो दो कॉन्सेप्ट है, जी दो जिनको हम कहते हैं दो मास्टर कीज है। जी अब वो मास्टर कीज सामने आ, जी तो मैं मुख्तसर तौर पर इनके तारुफ में, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, इस हवाले से हमारा तसव्वुर ये होना चाहिए कि गॉड, खुदा, अल्लाह, ईश्वर, शेंगडी, यावे, उस अजीमुशान हस्ती यानी स्काई गॉड के लिए हर जुबान में अल्फाज मुख्तलिफ हैं। एक ऐसी हस्ती यानी माइंड यानी पर्सन है जिसमें कोई बुरी सिफत, कोई कमजोरी, कोई खामी नहीं, और मुस्बत तौर पर हर अच्छी सिफत अपने कमाल पर यानी टू दी परफेक्शन उसमें मौजूद है। अब देखें, जैसे ही आपने ये कायम कर लिया और इसको अप्लाई करेंगे, तो बहुत सारे सवाल तो उनके जो है ना, जो उसकी जात के साथ मुतल्लक है, जी तो हम उसका सिर्फ ये जवाब देंगे कि कुरान मजीद कहता है लैसा कमिस्लिही शय। जी आप उसकी जात के ऊपर इस वक्त कतन कोई गुफ्तगू नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी गिरफ्त में ही नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? इसलिए नहीं आ सकती कि उसकी मिसाल जैसी भी कोई चीज नहीं है। हमारा इल्म यहाँ इस दुनियावी जिंदगी में महदूद है। हमारा उसके साथ ताल्लुक क्या है? सिफाती, और सिफाती ताल्लुक के हवाले से ये तसव्वुर है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, नंबर वन, इंसान की असल गैर अब मादी ये जो शख्सियत। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, एक कॉमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ आपने कहा ना, ये अब मास्टर की नंबर दो है। एक वो पहली थी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, ये क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, मास्टर जी की जी नंबर दो।
जी अगर ये दो मास्टर कीज के हवाले से क्लैरिटी नहीं होगी तो उनके सवालात को भी प्रॉपरली टू द सेटिस्फेक्शन एड्रेस नहीं किया जा सकता, ये हमारा कहना है। आप बयान करें जी कॉन्सेप्ट सर। जी नंबर 1, इंसान की असल गैर मादी शख्सियत जो कि आजमाइश में है और जिसने सूरतुल आराफ आयत 172 के मुताबिक अल्लाह से अहद यानी अहद अलस्त किया था, इसे कुरान नफ्स कहता है। अंग्रेजी में इसे सोल से ताबीर किया जाता है। नंबर 2, इंसान का मादी जिस्म जो नफ्स को बगर्ज़ आजमाइश कुछ मुद्दत के लिए दिया गया है, यानी नफ्स सवार है और जिस्म उसकी सवारी, मिसाल के तौर पर जैसे घोड़ा और उसका सवार होता है। नंबर 3, अल्लाह ताला का डिवाइन स्पार्क यानी अल्लाह ताला की खास तजल्ली जिसे कुरान रूह कहता है, इसे अल्लाह ने सवारी के साथ मुंसलिक किया है और इसका काम नफ्स को बुरे इरादों पर मलामत करना है। कुरान इसे नफ्सल लवामा से ताबीर करता है। आप कमेंट एक अब देखें, हमने इंसान की असल गैर मादी शख्सियत कहा है उसको, जिसे सोल कहते हैं अंग्रेजी में। जी अब जो नंबर 2 को असल समझ लेते हैं, मादी जिस्म जो के सवारी है उसकी एक्चुअली, तो फिर उनके सवाल उठाए सवाल को कैसे एड्रेस कर सकते हैं, वो तो इंसान की असल शख्सियत है ही नहीं। बिल्कुल सही। नाजरीन, क्रिश्चियनिटी में भी 3 टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, बॉडी सोल एंड स्पिरिट, और इसी तरह जुडाइज्म में भी 3 ही टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। सोल के लिए वो टर्म नेफेश इस्तेमाल करते हैं और स्पिरिट के लिए रूह, यानी अब ये देखें ये असल। नफेश वैसे ही है जैसे अरबी में नफ्स है ना, तो जी ये जी नफेश जी वैसे ही है, और रूह उसमें आगे सी एच रूह क्यों करके कह दिया वही है, क्योंकि ये सिस्टर लैंग्वेजेस हैं हिब्रू और अरबिक। आप देखें तकरीबन उनकी प्रोनंसिएशन भी ऐसे ही है, तो उधर भी 3 तसवरात हैं, बॉडी सोल एंड स्पिरिट क्रिश्चियनिटी में, और उधर भी ऐसे ही है, बॉडी है और नेफिश है और रूह। नाज़रीन, फ्री विल और अल्टीमेट डेस्टनीज पर गुफ्तगू करने के हवाले से हमारे पेश नज़र हमेशा कीवर्ड आजमाइश सामने रहेगा। जी 1 मिनट देखें, अब असल मसला क्या है, असल मसला है आजमाइश, जी इसको हमने कहा ये कीवर्ड है, इसको जरा बराबर भी कहें जी इसको जरा फिलहाल अलग रख ले तो हम गुफ्तगू कर ही नहीं सकते। आजमाइश अगर नहीं है तो इस कायनात की तखलीक भी बेकार और जिंदगी और मौत का सिलसिला भी बेकार। आजमाइश बिल्कुल दरमियान में आएगा तो फिर ये रेलेवेंट होते हैं, इनमें मानवीयत पैदा होती है, और आजमाइश जैसे ही आएगा सामने तो सबसे पहले सवाल पैदा होगा कि आजमाइश किसकी, क्या वो सवारी की जिसको हमने मिसाल घोड़ा और सवार कहा है, तो घोड़े की आजमाइश नहीं है भाई, ये सवार की आजमाइश है, वो गैर मादी शख्सियत है, वो नजर नहीं आती, गैर मादी है, नॉन फिजिकल है, जिसको बार बार वो रॉबर्ट लॉरेंस क्विन की भी आप सुनेंगे ना, तो वो भी कहता ये है कि अगर हमारा कोई हिस्सा नॉन फिजिकल नहीं है तो फिर ये चीजें समझ में नहीं आ सकती। दो के वो अभी तजब्जब में मुब्तला है, मगर दैट इज व्हाट ही सेज। जी तो नाज़रीन, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, फ्री विल और अल्टीमेट डेस्टिनीज के हवाले से गुफ्तगू करते हुए हमारे सामने हमेशा कीवर्ड आजमाइश रहेगा। तो सवाल ये पैदा होता है, किसकी आजमाइश? इंसान की असल गैर मादी शख्सियत की आजमाइश, जिसने आलम लाहूत, आलम अमर, आलम अरवाह में अल्लाह ताला से अहद यानी अहद अलस्त किया था, इसे ये कुरान नफ्स से टर्मिनोलॉजी ताबीर जो है ना करता है। हमने खुद से नहीं बनाई है, ये हमारे लिटरेचर में इस्तेमाल होती आई है, जी करेक्ट, आलमे लाहूत की भी, आलमे अम्र की भी, आलमे अरवा की भी। इसे कुरान नफ्स से ताबीर करता है और अंग्रेजी में उसे सोल कहा जाता है। ये नफ्स आलमे लाहूत से 3 बुनियादी तस्वुरात सीख कर आया है, उनमें से एक अखलाकी तस्वुर मॉरल कॉन्सेप्ट, दूसरा जमालियाती एस्थेटिकल कॉन्सेप्ट और तीसरा रियाजियाती मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यानी तस्वुर है। आजमाइश सिर्फ अखलाकियात में है, यानी असल जी गैर इधर मादी इसके शख्सियत। डिस्कशन जी डिस्कशन इधर कर लेते हैं कुछ, कि जी ये जो बुनियादी तस्वर आता है ना, सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसने यहाँ सीखे हैं, जवाब ये है कि नहीं, ये वो सीख के आया है,
यानी ये वो उस आलम से जहां उसका सिलसिला शुरू हुआ था, जहां आपने फरमाया कि उसने अहद अलस लिया था, वहां उसने तीन कॉन्सेप्ट सीखे हैं। अब देखें, गौर करें कि मैं अब इस कमरे में बैठा हूं ना, जिस चीज के ऊपर भी मेरी नजर पड़ेगी ना, तो पीछे उसके मुझे एक ह्यूमन माइंड नजर आया, कि कोई ह्यूमन माइंड था या थे जिन्होंने ये बनाया है और मेरे फायदे के लिए, मेरे इस्तेमाल के लिए बनाया है। कभी मेरे जहन में नहीं आएगा कि ये कोई शायद किसी चिंपैंजी ने बना दिया हो। हालांकि चिंपैंजी जानवरों में बड़े इंटेलिजेंट माने जाते हैं। क्यों जी डॉक्टर साहब, कभी ख्याल आया? बिल्कुल नहीं, आप अपने अपने आप को देख लें, अपनी ऐनक को देख लें, अपनी टोपी को देख लें, टोपी से बिल्कुल, स्टार्ट करके अपने ड्रेस को देख लें, सामने टेबल को देख लें, मोबाइल को देख लें, पलंग को देख लें जिस पे लेटे हुए हैं इस वक्त आप बिल्कुल, बताएं, किसी को देख के आपको ये तो ख्याल आता है कि कोई ह्यूमन था, ह्यूमन माइंड था ये थे जिन्होंने ठीक, ये डिजाइन किया है। और जब आप उसको बिल्कुल, इस्तेमाल करते हैं तो उसका मकसद भी समझ में आ जाता है। मगर कभी आपके जहन में ये आया कि कोई गैर ह्यूमन, कोई किसी चिंपैंजी, चिंपैंजी जानवरों में इंटेलिजेंट समझे जाते हैं कि उन्होंने, दो चारों ने मिलकर ये किया हो, कभी नहीं आया? नहीं जो 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 लोग कहते हैं कि चिंपैंजी जिस चीज का आप रेफरेंस दे रहे हैं वो बेसिकली ये नहीं कहते कि अभी चिंपैंजी कुछ करते हैं, वो तो ये कहते हैं कि हम चिंपैंजी से इवॉल्व हो गए हैं। नहीं, लेकिन ये वो और बात नहीं हो रही, उस हाँ कंटेक्स्ट में नहीं हो रही बात। नहीं नहीं ठीक है, मैं कहता हूं कि आप मुझे बता दें कि चिंपैंजी इस वक्त पाए जाते हैं? बिल्कुल पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। चिंपैंजी 10 लाख साल पहले पाए जाते थे? बिल्कुल, पता नहीं, शायद यस मे भी बी, ज्यादा इम्कान तो ये पाए जाते हो, जी, तो ना हाँ, उन्होंने 10 लाख साल पहले ये काम किया था, ना आज कर सकते हैं, वो आज और भी अभी वैसे भी ही पाए अभी जाते हैं। अब सवाल ही भी नहीं पाए जवाब जाते देते, हैं। अभी पाए ये अगर जाते हैं, साल 10 लाख साल और भी गुजर जाएंगे, वो तब भी वैसे ही रहेंगे। वो जी दरख्तों में ही रहेंगे या वो वैसे ही रहेंगे, आप उनके साथ ये जो सारी चीजें ये एसोसिएट कर ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही, अंदर से हमें पता है कि नहीं, ये करने वाला ह्यूमन है। वो तो कहते हैं ना, प्राइमेट से तरक्की करके ये हुआ है, तरक्की अब तो होती नजर नहीं आ रही है। और जो हमारी नॉन हिस्ट्री है उसमें भी नजर नहीं आ रही, जितनी इससे पहली है हिस्ट्री उसमें भी तो नजर नहीं आ रही, वो वैसे के वैसे ही है। तो मत कहो हाँ कि इसको तो वो छाड़ अब छोड़ दें आप, तरक्की क्या नजर आएगी, वो दो अभी भी 4 पैरों पे चलते हैं। वही है, अगर वो नहीं होते ना तो तब भी कोई एक बात होती कि अच्छा आप क्यों क्लेम ये है कि इवॉल्व हो गए, वो अभी भी हैं, हम उनको जाके टेस्ट वो कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनसे वो कर सकते हैं, वो अभी भी वैसे ही हैं जो पिछले 10 लाख साल पहले भी थे, तो ये और तो बात इंसान को देख लें कि इंसान ने क्या किया, एक एक चीज को हाँ देख लें। देखें, एक तो है ना मॉरल कॉन्सेप्ट। अब दुनिया में इंसान होना चाहिए, बस काला हो, पीला हो, गोरा हो, जो भी हो, जंगल में हो, शहर में हो, गांव में हो, सबको ये मॉरल कॉन्सेप्ट जो सब में यकसा है, सही, सब जानते हैं सच्चाई क्या है, सब जानते हैं दयानत क्या है, सब जानते हैं अमानत क्या है, सब जानते हैं अहद क्या है, सब जानते हैं कि हक तलफी नहीं करनी चाहिए, सब जानते हैं कि किसी की जान माल आबरू को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ये सब जानते हैं। इसको तो कोई ये ऐसे कहता ही नहीं है कि जिसको नहीं पता, वो सिर्फ वो कहते हैं ये ग्रेजुअली डेवलप हुई। तो जब उनके साथ बात हम करते हैं तो हम फिर पूछेंगे ना कि अच्छा ये आप बता देना कैसे, हाउ डू यू नो दिस। और अब इसलिए इसमें ही एवोल्यूशन हमने क्यों नहीं हो रहा, इस मॉरल कॉन्सेप्ट में एवोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा, जब से हम नॉन हिस्ट्री को जानते हैं वो सब यही बिल्कुल, यही ये वैसे ही है हो एज इट इज है, ये मॉरल कॉन्सेप्ट जो है ये सब में यकसा है, इसी में गए आजमाइश है। मगर एस्थेटिकल कॉन्सेप्ट या रियाजियाती कॉन्सेप्ट, मॉरल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ये यकसा नहीं है और जी, इसमें आजमाइश भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, अब हम आपके सामने क्लोजर टू ट्रुथ के फ्री विल और अल्टीमेट डेस्टिनीज के सवालात का तारुफ कराएंगे, हमें ले आते हैं। मेरा यहाँ पे सवाल होगा आशमी साहब से, कि फ्री विल और अल्टीमेट डेस्टिनीज के हवाले से इन सवालात के जवाब बात को समझना क्यों जरूरी है, या इनसे नावाकफियत क्या कन्फ्यूज जो है ना वो फिर जन्म लेती है, खासकर खवास के जहनों में। आजमाइश ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। आजमाइश, आपने, हमने कहा कीवर्ड आजमाइश है, और हमने ये बता दिया आजमाइश किसकी है।
जब आप कहेंगे आजमाइश किसकी है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ आ जाएगा। जिसकी आजमाइश है उसकी फ्री विल होनी चाहिए, ऑटोमेटिकल है। अगर फ्री विल नहीं है तो आजमाइश नहीं है। अगर फ्री विल है तो उसके ऊपर कोई सवालात उठते हैं, जवाब है उठते हैं, उसका जवाब देना फिर आप। बिल्कुल ठीक। और उसका जवाब देंगे हम, एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे, मगर उन्हीं चीजों को जो के थियोलॉजी के साथ मुतल्लिक। बिल्कुल ठीक। साहब क्या कहते हैं, आई हैव टू हाईलाइट, ये वर्ड दिखा रहे हैं आप, पीडीएफ नहीं दिखा रहे हैं, आई थिंक पीडीएफ दिखाएं ज्यादा बेहतर, और ये मेरी अच्छा बात कट मैं फिर जाएगा। वर्ड, अच्छा सॉरी सॉरी मैं, डॉक्टर साहब हुआ कुछ क्लियर कि भाई आजमाइश ही खत्म हो जाती है, फिर आजमाइश जी अगर खत्म हो गई तो ये कायनात की तखलीक भी बेकार हो गई, मौत और जिंदगी का सिलसिला भी बेकार हो गया, सब कुछ बेकार हो गया, होना ही नहीं चाहिए था और कुरान की बात भी गलत साबित हो गई कि उसने कायनात क्यों बनाई थी। सब कुछ। देखिए कुरान मजीद बार बार आपको ये कहेगा कि भाई ये कायनात जो मैंने बनाई है ये आजमाइश के लिए, तुम्हारी आजमाइश के लिए बनाई है, बा मकसद है, एक खास मुद्दत के लिए बनाई, यानी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो आजमाइश है, और फिर उसके बाद एक खास मुद्दत है, स्पेसिफाइड पीरियड है, हमेशा के लिए नहीं है ये। बिल्कुल ठीक जी, इसलिए हम बार बार शुक्र। बात करते हैं ना कि देखें आपने मिक्सअप नहीं करना, कुरान मजीद जिस लफ्ज को इस्तेमाल करता है आफ्टर लाइफ में, उसका जो पहला फेज है उसको क्या कहता है डॉक्टर साहब? पुराने नुजूल, वो जो नुजल, नुजूल, नुजल। तो आपने ये याद रखना है कि नुजल को मंजिल नहीं बना देना। मंजिल कौन सी होगी? जहां से वो आया है। आया कहां से था? जहां उसने अहदे अलस लिया था, वो जिस आलम सूरत में लाहू, था, जिस हालत में था, वहीं अब पहुंचाएंगे उसको। बिल्कुल और जो पहला फेज है जो कि उसका मादी फेज है वो है नुजुल। उसमें भी सवालात होंगे, आप बताएंगे ना, वो मसलन ये सवाल पैदा करते हैं ना क्लोजर टू ट्रुथ पर, व्हाई बॉडी इज नेसेसरी, वो बताएंगे हम बाद में। अल्टीमेट डेस्टिनीज को कवर करेंगे मेरा ख्याल जी। नाज़रीन। अब हम आपको फ्री विल और अल्टीमेट डेस्टिनीज के सवालात का तारुफ कराएंगे, और आपके लिए यादे के तौर पर मैं अर्ज कर दूं कि क्लोजर टू ट्रुथ के तीन टॉपिक्स हैं, कॉस्मोस, कॉन्शियसनेस एंड मीनिंग। हम दो टॉपिक्स, कॉन्शियसनेस और मीनिंग पर गुफ्तगू करेंगे, जिनमें से हमने कॉन्शियसनेस में से फ्री विल को चूज किया है और मीनिंग में से अल्टीमेट डेस्टिनीज को। क्लोजर टू ट्रुथ के कॉन्शियसनेस के तहत सात सब टॉपिक्स हैं, माइंड बॉडी प्रॉब्लम्स, कॉन्शियसनेस, पर्संस, फ्री विल, फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, आर्ट सीकिंग, अंडरस्टैंडिंग। हमने इन सात सब टॉपिक्स में से नंबर चार यानी फ्री विल को पहले सिलेक्ट किया है। फ्री विल के तहत छह सब टॉपिक्स हैं, और इन सब टॉपिक्स पर जिन एक्सपर्ट से गुफ्तगू की गई है उनकी तादाद 35 है। सब टॉपिक अंडर फ्री विल। नंबर वन, मिस्ट्री ऑफ फ्री विल, इसके तहत छह सवालात हैं। नंबर टू, फिलॉसफी ऑफ फ्री विल, क्वेश्चन 4 है। नंबर थ्री, फ्री विल एंड कॉन्शियसनेस के दो सवालात हैं। नंबर फोर, साइंस ऑफ फ्री विल के पांच सवालात हैं। नंबर फाइव, फ्री विल एंड मोरेलिटी के तहत तीन सवालात हैं। एंड नंबर सिक्स, थियोलॉजी ऑफ फ्री विल के तहत तीन सवालात हैं। क्लोजर टू ट्रुथ ने अपनी साइट पर इसका एक मुख्तसर सा तारुफ लिखा है, मैं वो आपके सामने पढ़ रहा हूँ। वो लिखते हैं, फ्री विल इज अ मिस्ट्री, वी सेंस आवर विल टू बी फुली फ्री, बट साइंस सेज एवरी एक्शन इज डिटरमिंड बाय अ प्रायर एक्शन। फ्री विल अफेक्ट्स मोरेलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन कॉन्शियसनेस एंड थियोलॉजी। इनकी एक वहां पे फ्री विल के हवाले से वीडियो भी मौजूद है, उसका लिंक हमने आपके सामने पेश कर दिया है। उस वीडियो की ट्रांसक्रिप्शन में
आई ऑब्सेस अबाउट फ्री विल. फ्री विल इज मैटनिंग. द मोर आई थिंक आई गॉट इट सॉल्व, द मोर आई फाइंड न्यू पजल्स. फ्री विल एनिमेट्स माई साइकी, मार्क्स वट इट मीन्स टू पिक, चूज, सिलेक्ट एंड डिसाइड. एक्सपर्ट्स सीम नो हेल्प, दे आर्ग्यू फ्री विल हॉटली. इज माई फीलिंग ऑफ फ्री विल रियल? कैन आई ट्रूली डू वट आई थिंक आई कैन डू? और इज फ्री विल जस्ट एन इल्यूजन, अ ट्रिक ऑफ द ब्रेन? आई हियर ऑफ द बिग क्वेश्चन ऑफ फ्री विल प्रोजेक्ट ईच ईयर फॉर 3 years. Scientists, philosophers gather in Florida State University in Tallahassee, discuss their findings, plan for progress. I mix with the participants, follow the trail. Why obsess about free will? I am Robert Lawrence Kuhn, and Closer to Truth is how I obsess. पहले सब टॉपिक मिस्ट्री ऑफ फ्री विल के तहत 6 सवाल दर्ज झैल हैं. आप इसमें देख रहे हैं, पहले हमने वो सवाल दिए हैं और उसके सामने जिन कॉन्ट्रीब्यूटर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है उनके नंबर भी हमने लिख दिए. मैं सिर्फ आपके सामने वो सवालात पढ़ूंगा. नंबर 1, व्हाट इज फ्री विल? नंबर 2, मिस्ट्रीज ऑफ फ्री विल. नंबर 3, बिग क्वेश्चंस इन फ्री विल. नंबर 4, बिग क्वेश्चंस इन फ्री विल प्रोजेक्ट. नंबर 5, इज फ्री विल एन इल्यूजन? नंबर 6, डू ह्यूमंस हैव फ्री विल? दूसरे सब टॉपिक फिलोसफी ऑफ फ्री विल के तहत 4 सवाल दर्ज झैल हैं. नंबर 1, फिलोसफी ऑफ फ्री विल, इसके कॉन्ट्रीब्यूटर्स आप सामने देख सकते हैं 11. मैं चूंकि सवाल ही सिर्फ पढ़ रहा हूं तो आप कॉन्ट्रीब्यूटर्स यहां से देख सकते हैं. नंबर 2, हाउ कैन फ्री विल वर्क? नंबर 3, फ्री विल वेयर इज द प्रॉब्लम? नंबर 4, फ्री विल एसेंस एंड नेचर. तीसरे सब टॉपिक फ्री विल एंड कॉन्शियसनेस के तहत 2 सवाल दर्ज झैल हैं. नंबर 1, हाउ फ्री विल प्रोब्स माइंड एंड कॉन्शियसनेस? नंबर 2, फ्री विल की टू कॉन्शियसनेस. चौथे सब टॉपिक साइंस ऑफ फ्री विल के तहत 5 सवाल दर्ज झैल हैं. नंबर 1, कैन ब्रेन हैव फ्री विल? नंबर 2, डज ब्रेन साइंस इलिमिनेट फ्री विल? नंबर 3, फिजिक्स ऑफ फ्री विल? नंबर 4, व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल फिलोसफी? नंबर 5, फ्री विल फोक बिलीव्स. पांचवें सब टॉपिक फ्री विल एंड मॉरेलिटी के तहत 3 सवाल दर्ज झैल हैं. नंबर 1, फ्री विल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. नंबर 2, फ्री विल एंड पर्सनल एजेंसी. नंबर 3, फ्री विल एंड डिसीजन मेकिंग. छठे सब टॉपिक थियोलॉजी ऑफ फ्री विल के तहत 3 सवाल दर्ज झैल हैं. डज गॉड्स नॉलेज इलिमिनेट फ्री विल? डज गॉड्स नॉलेज क्वैश फ्री विल? इफ गॉड नोज, नंबर 3, इफ गॉड नोज द फ्यूचर, व्हाट इज फ्री विल? नाजरीन, अब हम दूसरा जो टॉपिक जिसको हमने चूज किया है मीनिंग, क्लोजर टू ट्रुथ के मीनिंग के तहत 5 सब टॉपिक हैं. नंबर 1, फिलोसफी मीनिंग यानी गॉड, मीनिंग यानी गॉड. नंबर 1, फिलोसफी ऑफ रिलीजन. नंबर 2, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. नंबर 3, एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड. नंबर 4, गॉड एज क्रिएटर. नंबर 5, अल्टीमेट डेस्टिनीज. हमने इन 5 सब टॉपिक्स में से नंबर 5 यानी अल्टीमेट डेस्टिनीज को पहले सिलेक्ट किया है. अल्टीमेट डेस्टिनीज के तहत 6 सब टॉपिक्स हैं और इन सब टॉपिक्स पर जिन एक्सपर्ट से गुफ्तगू की गई है उनकी तादाद 72 है, यानी 72. सब टॉपिक्स अंडर अल्टीमेट डेस्टिनीज. नंबर 1, गॉड्स नॉलेज एंड फ्यूचर इवेंट्स, 6 questions. नंबर 2, जजमेंट, हेवन एंड हेल, 5 questions. नंबर 3, रिजरेक्शन, 2 questions. नंबर 4, एस्केटोलॉजी एंड टाइम्स, इसके 4 questions. नंबर 5, इटर्नल लाइफ, इसके तहत 5 questions. नंबर 6, सर्च फॉर मीनिंग, इसके तहत 2 questions. टोटल 24 questions. क्लोजर टू ट्रुथ की साइट पर
अल्टीमेट डेस्टनीज का मुख्तसर तारुफ मौजूद है, मैं वो अब आपके सामने पढ़ रहा हूं। इफ गॉड एग्जिस्ट व्हाट्स द फ्यूचर लाइक, जजमेंट, आफ्टर लाइफ, रिजरेक्शन, हेवन, हेल, व्हाट्स री इनकारनेशन, व्हाट वुड इमोर्टेलिटी एंड इटर्नल लाइफ बी लाइक विदाउट गॉड, हाउ टू सर्च फॉर मीनिंग। नाज़रीन, इस अल्टीमेट डेस्टिनीज के तहत वहां पर एक वीडियो भी मौजूद है जिसका लिंक हमने आपके सामने रख दिया है। मैं उस वीडियो के ट्रांसक्रिप्शन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। इटर्नल लाइफ ऑलमोस्ट ऑल रिलीजन्स प्रॉमिस इट इन वन फॉर्म और अनदर। द मैसेज गोज फोर्थ, डेथ इज नॉट फाइनल, द एंड ऑफ माई बॉडी शेल नॉट बी द एंड ऑफ मी, आई फील नो टेम्पटेशन टू प्रूव लाइफ आफ्टर डेथ, चेजिंग डाउन दिस स्टोरी और दैट द एनेक्डोटल एविडेंस इज अनसाइंटिफिक एंड द साइंटिफिक एविडेंस इज निल, बट आई एम कंपेल्ड टू फाइंड विजन्स ऑफ इटर्नल लाइफ हाउएवर हेजी, ब्लर्ड और ओपेक। इफ देयर इज इटर्नल लाइफ, वट वुड इट बी लाइक? The answer should make some kind of sense. If not, I doubt it will be real. The answer should make some kind of sense. जी, अगर उनको चीजें जो नजर आती हैं वो आती हैं कि भाई ये कॉन्ट्रोडिक्टरी हैं, ये किधर जा रही है किधर जा रही है, तो वो कहते हैं ये रियल है ही नहीं, और वहां से वो सवाल पैदा करते हैं फिर वो गॉड भी नहीं है भी। अगर ये डॉट्स कनेक्ट ही नहीं हो रहे, अगर वो सेंसिबल आंसर ही नहीं मिल रहा है, फिर गॉड कैसा होगा जिसने ये सेंसिबल आंसर ही नहीं दिए? तो हम ये कहते हैं क्या, क्यों हमने सेलेक्ट किया है कि अल्लाह ताला का हमारे पास, मुसलमानों के पास एक कलाम है जो कि महफूज है, जी उसने अपने अल्फाज में उसे महफूज रखा हुआ है। वो कहता है उसमें कलाम में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इस याद दहानी को नाजिल किया और हम इसकी प्रोटेक्शन करेंगे, इसकी हिफाजत करेंगे। नोबडी कैन चेंज इट। देखें कितनी बड़ी रहमत है। अगर वो चेंज हो सकते हैं तो फिर जैसे दूसरे स्क्रिप्चर चेंज कर दिए हैं लोगों ने, अपनी अपनी मतलब की चीजें या डाल दी हैं निकाल दी हैं, तो इसका भी यही हाल होता। मगर चूंकि चेंज नहीं कर सकते, हमारे पास बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में वो मौजूद है। वहां ये सारे सवाल जो हैं उनके जवाब हैं, मगर क्या मान के हैं? इंसान की असल शख्सियत को मान के हैं, ये मान के हैं कि इंसान की असल शख्सियत के लिए आजमाइश है, ये मान के हैं कि ये कायनात जो आजमाइश के लिए बनाई गई है, ये मान के हैं कि ये जिंदगी और मौत, ये जो बॉडी नजर आ रही है ये आजमाइश के लिए उसको दी गई सवारी है, ये मान के हैं। सही, द आंसर शुड मेक सम काइंड ऑफ सेंस, इफ नॉट आई डाउट इट विल बी रियल। आई एम रॉबर्ट लॉरेंस क्यून एंड क्लोजर टू ट्रूथ इज माय जर्नी टू फाइंड आउट। अल्टीमेट डेस्टिनीज के तहत सब टॉपिक्स में पहला सब टॉपिक गॉड्स नॉलेज एंड फ्यूचर इवेंट्स के तहत 6 सवाल दर्ज ज़ैल हैं। नाज़रीन, इसमें हर सवाल के सामने जिन कंट्रीब्यूटर्स ने इन सवाल को डिस्कस किया है उनके नंबर भी लिखे हैं, मैं सिर्फ आपके सामने सवाल पढ़ रहा हूँ। नंबर वन, डज गॉड नो द फ्यूचर, हाउ वुड गॉड नो द फ्यूचर? Number three, perhaps even God doesn't know the future. Number four, is the future open? Number five, has God settled the future? Number six, what is predestination? दूसरे सब टॉपिक जजमेंट यानी हेवन एंड हेल के तहत 5 सवाल दर्ज हैं। नंबर वन, इज देयर अ जजमेंट? नंबर टू, वट इज गॉड्स जजमेंट? Number three, an ultimate judgment. Number four, what would God's judgment be like? Number five, do heaven and hell really exist? तीसरे subtopic, resurrection के तहत 2 सवाल दर्ज ज़ैल हैं। Number one, what's a resurrection like? Number two, why a body in a resurrection? ये देखें, ये वही बात जो मैं बता रहा था ना आपको। जी, ये सवाल जो है सारे पैदा करेंगे, जो हमारे भी इर्द गिर्द सवाल लोग पूछते हैं ना, भाई इन्होंने पैदा किए हुए हैं।
बिल्कुल सही है जी। तो इसमें हमारे यहाँ भी काफी कंफ्यूजन पाई जाती है, क्योंकि कुरान से हार्डली कोई भी जवाब देने की कोशिश करता है। जी वो अब अपने तो उन्होंने अंदाजे भी सब्जेक्ट बयान कर बना के सकते। उसको स्टडी ऐसे किया ही नहीं है ना, यानी कुरान मजीद में जो सवाल, जो यानी समझे रेलेवेंट सवाल, जस्टिफाइबल सवाल जो पैदा होते हैं ह्यूमंस के जेन में, तो वो तो जानता है ना जिसने क्रिएट किया है, क्योंकि ये तो हम मान के चले कि क्रिएटर है, हम मान के चले कि पर्सनल गॉड है, तो भाई वो जानता है कि क्या क्या सवाल पैदा हो सकते हैं और उनके जवाब देता है। जिसका उसने जवाब नहीं देना, मसलन अल्लाह की जात के ऊपर गुफ्तगू की जाए, वो फौरन कहता है आप समझ नहीं सकते, क्यों, कि उसकी मिसाल जैसी भी कोई चीज नहीं है। जी उसके किसी फेल के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी, वो कहता है आप नहीं समझ सकते, इसलिए जी कि आप जानते नहीं है, आप एक छोटी सी चीज जानते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं कल परसों सोच रहा था कि हम देखें जब ऊपर टॉप से देख रहे होते हैं ना हम, यानी हम समझे हमने कैमरा वगैरह लगाए हुए हैं, और नीचे जितनी मर्जी चूंकि उनके फिर रही हैं, हम बेक वक्त उनको कहीं और बैठे हुए कैमरे की आंख से देख लेते हैं बेक वक्त। ये हमसे पहले वाले लोगों को समझ नहीं आ सकती चीज, हमें समझ में आ सकती है कि हम बेक वक्त यानी काफी सारी वो देख लेते बिल्कुल हैं ऊपर से। मैं बिल्कुल बल्कि नहीं कैमरे के पता। बगैर देख रहा था कि मैं यूं करके ऊपर से देखता हूं तो मक्खियां बैठी हुई चींटियां जो है कितनी नजर आ जाती है, बिल्कुल और बाद हाँ, अगर ये उनको मैं ध्यान में मारना लाना चाहूं तो एक ही मैं स्नैप में उनको मार भी सकता हूं, उनको नहीं पता चलता है। भाई तो इस जी। साइंस ने बहुत सारी चीजें हमारे लिए समझने के लिए आसान कर दी। बहरहाल हमने वो चीजें हैं उन्होंने डिस्कस नहीं कर दी। हम अगर कोई सवाल सामने आ भी जाएगा तो हम उसको सिर्फ जवाब देंगे कि भाई ये हमारे इल्म के हाथे में नहीं आ सकती। सही है जी। जी चौथे सब टॉपिक एस्केटोलॉजी यानी एंड टाइम्स के तहत चार सवाल दस जैल हैं। नंबर वन, इज दिस द एंड टाइम? नंबर टू, विल गॉड सेव द कॉस्मोस? नंबर थ्री, अ न्यू हेवन एंड अ न्यू अर्थ? नंबर फोर, ऑल थिंग्स न्यू? इस तरह की चीजें आप देखें अपने माशरे में भी सुनते रहते हैं लोग, सुनते ये सवाल करते रहते हैं। जी पांचवें सब टॉपिक इटर्नल लाइफ के तहत तीन सवाल दस जैल हैं। व्हाट इज इटर्निटी? नंबर टू, इटर्नल लाइफ इज लाइक व्हाट? नंबर थ्री, इटर्नल लाइफ इज लाइक व्हाट? छठे सब टॉपिक सर्च फॉर मीनिंग के तहत दो सवाल दर्ज हैं। सर्च फॉर मीनिंग पार्ट वन एंड सर्च फॉर मीनिंग पार्ट टू। मोजेस नाजरीन जी, हमारा TGSG यानी द ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से एपिसोड नंबर 22 था। इस एपिसोड में हमने फ्री विल और अल्टीमेट डेस्टिनीज के तहत सवालात का आपसे तारुफ करवाया। अगले प्रोग्राम से हम इन सवालात को एड्रेस करने का सिलसिला शुरू करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी आरा से जरूर आगाह फरमाइएगा ताकि हम आइंदा प्रोग्राम्स को बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया।